ये देखिएगा है ना कितनी आसानी से टूटने वाले। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और इससे ज्यादा सिंपल तरीके से आप कोई भी पापड़ नहीं बना सकते। दूसरे पापड़ की भी आवाज सुना देता हूँ, ये देखिएगा है ना एकदम से खस्ता। बस ऐसे ही पापड़ आप बड़े ही आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं। आज हम पापड़ बनाएंगे लिज्जत पापड़ की तरीके से, मतलब कि वही वाले पापड़ बनाएंगे लेकिन बनाने का प्रोसेस बिल्कुल वैसा होगा जैसे वो लोग बनाते हैं, लेकिन हाँ इसको बिना धूप में सुखाए हुए ही बनाएंगे। हाँ ये तो आपके लिए बहुत फायदे वाली बात हो गई कि सर्दी हो या बरसात तब भी आप इन पापड़ों को बना सकते हैं। तो सिर्फ ये हम आज लिज्जत पापड़ की रेसिपी शेयर नहीं करेंगे, इसी के साथ साथ शेयर करेंगे ये वाले चावल के पापड़। और इन पापड़ों को भी बनाने में थोड़ी सी ट्रिक और टिप्स है, बहुत टेस्टी दोनों ही रेसिपियाँ होंगी और दोनों में ही धूल धक्कड़ का बहुत कम काम होगा। मतलब कि जैसे बहुत तेज हवा चलती है धूल उड़ती है और पापड़ गंदे हो जाते हैं, तो ये बात इनमें नहीं है। इसमें ना तो पापड़ गंदे होंगे और ना ही बहुत ज्यादा धूप की जरूरत पड़ेगी। आप बनाइएगा पापड़ पूरी साल चलाइएगा और फिर मजे से खाइएगा। तो दोनों के दोनों रेसिपियां थोड़ी सी यूनिक होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे चावल के पापड़। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो लेंगे यहाँ पर 250 ग्राम जितना चावल, मैंने यहाँ पर मोटा चावल लिया है, इजिली मार्केट में मिल जाता है। टूटा फूटा भी चावल हो वो भी आप ले सकते हैं, बस थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। इसका पापड़ काफी अच्छा बनता है और खास बात काफी सफेद भी रहता है और बहुत सस्ता भी होता है। चलिए अब चावल का चयन हो चुका है तो ले लेंगे एक बड़ा सा बर्तन और इसमें डालेंगे हम चावल। यहाँ पर ध्यान रखना है चावल को अच्छी तरीके से पहले ही साफ कर लेना है और अब चावल में पानी डालकर इसको 2-3 बार अच्छी तरीके से धुल लेंगे। धुलना जरूरी है क्योंकि बाद में हम इसे बिल्कुल भी नहीं धुल पाएंगे। चावल लगभग मैंने 2-3 बार अच्छी तरीके से धुल लिया है तो अब इसमें डालेंगे हम पानी। पानी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाकर रखेंगे, चावल को अच्छी तरीके से जरूर फूल जाने दें, तभी चावल को पीसने में काफी आसानी रहेगी। तो इन्हें कम से कम आप 14 घंटे जरूर फुलाएं। लगभग 14 घंटे हो चुके हैं, चावल भी हमारे अच्छी तरीके से फूल चुके हैं। तो अब लेंगे एक मिक्सी का जार और जो मैंने चावल फुला लिए थे उसको इसके अंदर डाल देंगे। बस ध्यान रखना है पानी इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं डालना है, आसानी से पीस जाएंगे अगर ये अच्छी तरीके से फूले हैं तो बस ध्यान रखना है कि चावल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पीसना है तभी ये पापड़ अच्छी तरीके से बनेंगे। चावल अच्छी तरीके से पीस चुका है, बस इसी तरीके से हमें रखना है बिल्कुल स्मूथली। तो अब लेंगे एक बड़ा सा बाउल और अब इसमें डालेंगे चावल के पेस्ट को। अब चावल का पेस्ट बर्तन में निकाल लिया है तो इसको देंगे थोड़े से हम फ्लेवर। तो फ्लेवर के लिए लेंगे करी पत्ते लगभग 12-13 और इसको इस तरीके से बारीक बारीक काट के डाल लेंगे। इसी के साथ इसके फ्लेवर को और बढ़ाने के लिए डालेंगे इसमें हम जीरा लगभग 1/2 टेबल स्पून जितना, इसी के साथ नमक स्वाद के अनुसार या लगभग 3/4 टेबल स्पून जितना। और अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। जब तक चावल का घोल सेट हो रहा है तब तक हम चलते हैं गैस की तरफ और ले लेंगे एक हम कढ़ाई और अब इसमें डालेंगे हम पानी। पानी इसमें कम से कम 500 ml जितना डालेंगे और अब इसके ऊपर रखेंगे छेदों वाली इस तरीके की चलनी। इजीली घर पे मिल जाती है, अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह जो इडली बनाया जाता है उसके स्टैंड का भी यूज कर सकते हैं। और अब देखेंगे कि जो मैं कटोरी इसके ऊपर रखूंगा वो इसके नीचे ही रहेगी या इसके ऊपर आ जाएगी, तो बस कटोरी इसके नीचे रहनी चाहिए ताकि जो इसके ऊपर हम ढक्कन रखें वो आसानी से इसको चारों तरफ से कवर कर दे और इसकी जो भाप है वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। तो बस इसी तरीके का हमें एक बर्तन ले लेना है और बना देना है उसको स्टीमर। अभी घरेलू स्टीमर हमारा बन चुका है तो चलते हैं हम फिर से चावल के घोल की तरफ और खोलकर इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिएगा चावल का घोल कितना गाढ़ा हो चुका है, यानी कि अब इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला लेंगे और अब इसको हम करेंगे हल्का सा पतला। बस इस तरीके का हमें घोल रखना है। चावल का बैटर पापड़ के लिए बनके तैयार है तो इसे रख देंगे एक साइड और अब लेंगे इस तरीके की गोल गोल कटोरी। ये नहीं है कोई भी कटोरी चलेगी, बस इसके जो पीछे का हिस्सा है वो एकदम से प्लेन होना चाहिए, कुछ भी उसमें दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। अगर प्लेन होगा तो पापड़ को निकालने में काफी आसानी होगी। और हाँ मैं आपको एक बात यहाँ पर प्रो टिप दिए देता हूँ कि जितने भी पापड़ बनेंगे वो सारे के सारे स्टील के बर्तन में ही बनेंगे, इसके अलावा आप एल्यूमिनियम का या कोई और बर्तन नहीं लें, नहीं तो पापड़ को निकालने में काफी दिक्कत होगी। और अब लेंगे पापड़ वाला बैटर और लेंगे ये कटोरी और इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना बैटर, बहुत ज्यादा नहीं, 1 चम्मच बहुत है क्योंकि इन्हें ज्यादा मोटा रखेंगे तो भी ये पापड़ उतने अच्छे नहीं बनेंगे, तो इसीलिए इन्हें हमें पतला पतला बनाना है। बस इस तरीके से हमें घुमा देना है और एक एक पापड़ आपका पतला हो जाएगा। अब हमने तीनों की तीनों कटोरियों में बैटर को अच्छी तरीके से फैला लिया है। अब चलते हैं हम स्टीमर की तरफ और स्टीमर के जो ऊपर का ढक्कन है उसको हटा देते हैं। स्टीमर अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है और अब इस पर रख देंगे जो मैंने कटोरियों में बैटर डाला था उसको और अब फिर से इसको हम ढक देंगे। बस 45 से 50 सेकंड के अंदर ये अच्छी तरीके से स्टीम हो जाएगी। लगभग 45 सेकंड हो चुका है तो इसका हटा लेते हैं सबसे पहले ढक्कन। देखिएगा जितने भी हमारे पापड़ हैं सारे के सारे ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, यानी कि उन्होंने अपना कलर चेंज कर दिया है, कहीं भी आपको व्हाइट व्हाइट नहीं लग रहे होंगे। बस इस तरीके से पापड़ हो जाए समझिएगा आपको इनको निकाल लेना है। तो अब तीनों के तीनों कटोरी हम निकाल लेते हैं
और फिर से रख देते हैं जो मैंने दूसरी कटोरी में बैटर डाल दिया था उनको। इसे फिर से हम ढक देंगे लगभग 45 सेकंड के लिए। जब तक ये भाप में पक रहे हैं तब तक जो हमारी पक चुकी हैं उनको हम डायरेक्ट पानी में डालेंगे। इन्हें पानी में डालने से वैसे कुछ नहीं होगा लेकिन पापड़ जो हमारा है वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा और इसे निकालने में बहुत ही आसानी रहेगी और कोई वजह नहीं है इसे ठंडे पानी में डालने की। तो लगभग 30 से 35 सेकंड के अंदर ये ठंडे भी हो जाएंगे। लगभग 30 सेकंड हो चुका है और ये ठंडे भी हो चुके हैं। तो बस इसे हम चम्मच की सहायता से इस तरीके से निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी होती है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती इन पापड़ों को बनाने में। आप बहुत कम समय में ढेर सारे पापड़ बना सकते हैं। इसी के साथ दूसरा पापड़ भी निकाल लेते हैं। ये देखिएगा, है ना कितना आसान पापड़ को निकालना। इसी तरीके से जो हमारा तीसरा वाला पापड़ है उसे भी निकाल लेते हैं। फिलहाल मैंने ये तीनों के तीनों पापड़ निकाल लिए हैं तो इन्हें डायरेक्ट हम एक बड़ी सी परात में रखेंगे। यहाँ पर देखिएगा मैंने बिल्कुल भी इसमें पॉलिथीन का यूज नहीं किया है, ना ही नीचे कुछ बिछाया है, डायरेक्ट इसे मैंने परात पे रख दिया है। ये ऐसे भी आसानी से सूख जाएंगे और चिपकेंगे भी नहीं। अब हम सारे के सारे पापड़ इस परात में रख देंगे और इसे सूखने के लिए लगभग 5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। लगभग 5 घंटे हो चुके हैं तो अब इन्हें हम पलट लेते हैं। देखिएगा बड़ी आसानी से पलट रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है इन पापड़ों को बनाने में। और अब इन्हें हम 2 दिन तक अच्छी तरीके से सुखाएंगे। जितनी अच्छी तरीके से सूखेंगे उतने ही ज्यादा टाइम तक ये चलेंगे। 2 दिन हो चुके हैं, देखिएगा पापड़ हमारे बिल्कुल परफेक्ट सूख चुके हैं। फिलहाल पापड़ हमारे अच्छी तरीके से सूख चुके हैं तो अब इन्हें हम सेंक भी लेते हैं। तो चलते हैं हम सीधा गैस की तरफ। यहाँ पर तेल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था और अब इसमें डालेंगे हम पापड़। पापड़ बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, दो तीन करके ही सेंकेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 पापड़ डाले। अब हमारे पापड़ देखिएगा कितने सफेद सिके हुए, सारे पापड़ सफेद ही सिकेंगे क्योंकि इन्हें आपको बहुत ज्यादा देर नहीं सेंकना है और यहाँ पर गैस की फ्लेम हाई रखनी है। जैसे ही पापड़ सिक जाए तुरंत निकाल लीजिएगा। इसीलिए आप ज्यादा पापड़ एक साथ ना डालें, थोड़े थोड़े डालें, आसानी से सिक जाएंगे और सारे के सारे पापड़ सफेद ही रहेंगे। अब सफेद सफेद पापड़ सिक के रेडी हो चुके हैं तो इन्हें हम सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। और अब ले लेंगे हम 1 कप और इसमें डालेंगे थोड़ी सी चाय। अब चावल के पापड़ तो बन चुके हैं, अब बनाते हैं लिज्जत वाले पापड़ बिल्कुल वैसे ही उसी ट्रिक और टिप्स के साथ। तो इसके लिए लेंगे 1 अदरक कूड़दान और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जितनी काली मिर्च और अब इसको करेंगे हम क्रश। यहाँ पर ध्यान रखना है इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, सिर्फ क्रश करना है। इसको क्रश करके डालने से ही जो हमारे पापड़ का स्वाद है वो बिल्कुल मार्केट वाला आएगा। बस इस तरीके से हमें क्रश करनी है। तो सारी काली मिर्च क्रश हो चुकी है तो अब लेंगे यहाँ पर हम दाल, क्योंकि इसी के हमें पापड़ बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पर ली है धुली हुई उड़द की दाल लगभग 100 ग्राम जितनी। इसी के साथ लेंगे 40 ग्राम धुली हुई मूंग की दाल। बस यही 2 चीजें डालनी है हमको और कुछ नहीं डालना है। आपके दाल के पापड़ बनके तैयार हो जाएंगे। इन दोनों दालों को अब 2 से 3 बार अच्छी तरीके से धुल लें, उसके बाद धूप में सुखा लें। उसके बाद इन्हें हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे और अब लेंगे हम यहाँ पर एक मिक्सी का जार और अब डालेंगे इसमें धुली हुई उड़द की दाल, इसी के साथ धुली हुई मूंग की दाल और अब इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। अब दाल हमने पीस ली है, बस इस तरीके से पीसनी है। और अब लेंगे एक बड़ा सा बर्तन और उसमें डालेंगे पीसी हुई दाल को, उड़द और मूंग की दाल को बस इस तरीके से पीसना है। मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ। लगभग ये बारीक ही हो चुकी है, आसानी से पीस जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसी दाल में डालेंगे हम क्रश की हुई काली मिर्च और अब डालेंगे 1/4 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज्यादा पापड़ खार। ये नहीं है तो आप इसकी जगह नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं। इसी के साथ 1/4 टेबल स्पून जितना काला नमक और अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सख्त डो तैयार करेंगे। सख्त इसलिए गूंथना है क्योंकि अगर इसे आप ढीला गूंथेंगे एक तो इसे आपको बेलने में बहुत दिक्कत होगी और दूसरी जो आपके पापड़ है वो उतने क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो इसीलिए इसे हमें सख्त गूंथना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसे गूंथते जाएं। बस अब इसमें हम बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे, बस इस तरीके से थोड़ी सी ताकत लगा के इसे हम गूंथ लेंगे। आसानी से दाल गूंथ जाएगी, गूंथने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिएगा कितनी हार्ड हो चुकी है, बस इतना ही सख्त हमें डो लगाना है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब डो गूंथ कर रेडी हो चुका है तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे 1/2 घंटे के लिए। 1/2 घंटा हो चुका है और डो भी हमारा अच्छी तरीके से सेट हो चुका है तो अब इसे हम हाथों से थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे। अब इसे तोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो लेंगे इस तरीके का भारी वजन और इससे इस तरीके से इसे हम दबा देंगे। अभी ये आपको काफी सख्त लग रहा है लेकिन यकीन मानिएगा बेलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से बेलते चले जाएंगे। अब डो हमारा सॉफ्ट हो चुका है तो थोड़ा सा डो हम हाथों में लेंगे और इसकी हम छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे। इस तरीके की काटनी है क्योंकि इसे हमें बहुत पतला बेलना है तो बस छोटी छोटी लोइयां ही आप काट लें, आसानी से पापड़ बनता चला जाएगा। तो 1 लोई मैंने काट ली है, अब इसका बनाएंगे हम पापड़। तब लगाएंगे हाथों में थोड़ा सा हम तेल और थोड़ा सा लगाएंगे फर्श पर और अब इसे हथेलियों से थोड़ा सा हम दाब देंगे और बस इस तरीके से इस पर ताकत लगाते हुए इसे बेलेंगे। आसानी से बेल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस फर्श पे मैंने इसलिए तेल लगा लिया ताकि इसे छुड़ाने में कोई दिक्कत ना हो। बस इस तरीके से हमें ताकत लगाते हुए इसे बेलना है। जितना इसे आप पतला बेल लेंगे उतना ही ये टेस्टी बनेगा और उतना ही ये क्रिस्पी भी सिकेगा, टेस्ट भी काफी बढ़ जाता है।
बस पूड़ियों की तरीके से बेलना है, ताकत लगाइएगा और इसे पतला करते जाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पापड़ बिल्कुल तैयार है। तो इसे हम सही शेप दे देते हैं। तो इसके लिए लेंगे एक हम टिफिन, लेकिन टिफिन मुझे छोटा साइज में लग रहा है, तो लेंगे इस तरीके का हम डोंगे वाला ढक्कन, ये इससे थोड़ा सा बड़ा है देखिएगा। तो इससे इसे हम काटेंगे, पापड़ अभी सही तरीके से नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा हम और बेल लेते हैं, करना कुछ नहीं है, छोटा पड़ रहा है थोड़ा बड़ा कर लें। अब पापड़ थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया है, तो बस इस ढक्कन को रखेंगे इसके ऊपर और बस थोड़ा सा दाब देंगे और अब किनारे वाला हिस्सा बड़ी आसानी से हटा देंगे, हट भी बड़ी आसानी से जाता है। इसमें तो भाई बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपने जितने भी पापड़ बनाए होंगे उसमें थोड़ी करनी भी पड़ती होगी, झंझट भी होंगे, इसे तो बस आपको पूड़ी की तरीके से बनाना है। तो जैसे आप घर पे पूड़ी बनाते हैं वैसे आप पापड़ बना लीजिएगा। अब लेंगे इस तरीके की चम्मच और इसे फर्श से बड़ी आसानी से अलग कर लेंगे, देखिएगा कितनी आसानी से अलग हो रहा है। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, मैं तो आपको ये दिखाने के लिए कि आपके पास चम्मच है तो आप उससे भी इसे अलग कर सकते हैं, नहीं तो इसके बाद में चाकू से अलग करूंगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। फिलहाल पापड़ हमारा फर्श से छूट चुका है, देखिएगा कितना पतला बना हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट। बस इसी तरीके से हमें सारे सारे पापड़ बना लेने, लेकिन पापड़ बनाने से यहाँ पर कुछ नहीं होगा, इसे सुखाने का भी एक विशेष तरीका है। फिलहाल आप पहले पापड़ बना लीजिएगा, उसके बाद हम इसे सुखाने के लिए चलते हैं। तब तक हम दूसरा पापड़ भी बना लेते हैं और इसको बताएंगे कि चाकू से कितनी आसानी से छूट जाता है। तो लेंगे एक फिर से लोई और अब फर्श पे लगाएंगे हल्का सा तेल और बस अब इसे हथेलियों की सहायता से इस तरीके से हम दाब देंगे और अब इसे बेलन की सहायता से बिल्कुल पतला पतला बेल लेंगे। बस यहाँ पर ध्यान रखना है, जितना पतला बेला जाएगा उतना ही टेस्ट इसका अच्छा आएगा। अब ये वाला पापड़ भी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, बस थोड़ी सी इसमें ताकत लगती है बेलने में, ये मैं बात आपको जरूर बता देता हूँ। और अब फिर से लेंगे हम ढक्कन और इस तरीके से इसे दाब देंगे, बस किनारे वाला जो हिस्सा है उसे बड़ी आसानी से हटा देंगे और अब लेंगे चम्मच और इससे इसे हटाएंगे, देखिएगा कितनी दिक्कत हो रही है। लेकिन अब लेंगे यहाँ पर हम चाकू और चाकू फंसाएंगे इसके अंदर और बस इस तरीके से कर लेंगे, देखिएगा कितनी आसानी छूट गया। यहाँ आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है, बहुत कम समय में आप बहुत सारे पापड़ बना लेंगे और इन पापड़ों की बहुत पहले तैयारी भी नहीं करनी पड़ती है। अब इन पापड़ों को हम फर्श पर डाल लेंगे, ये गया एक पापड़ और ये गया दूसरा वाला, ये देखिएगा कितनी आसानी से फर्श से छूट गया है, और ये गया हमारा आखिरी पापड़। बस सारे सारे पापड़ों को हमें छांव में सुखाना है, तो मैंने यही बगल में फर्श था उसी पे सारे सारे पापड़ डाल दिए और इसी छांव में इन्हें हम सुखाएंगे। बस हर एक घंटे बाद इन्हें पलटते जरूर रहेंगे, इससे क्या ये जल्दी से सूख भी जाएंगे और जो हमारे पापड़ है वो किनारे से टेढ़े भी नहीं होंगे। जैसे लिज्जत पापड़ आते हैं वो बिल्कुल सीधे आते हैं, टेढ़े सिर्फ इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें छांव में सुखाया जाता है और बार बार उन्हें पलट दिया जाता है। पलटने से क्या जब उनका टेढ़े होने का वक्त आता है तो उससे पहले वो पलट जाते हैं और फिर से सीधे हो जाते हैं। बस इन्हें हमें ऐसे ही छांव में सुखाना है और अगले दिन लगभग एक घंटे के लिए देंगे इसमें धूप। धूप देते वक्त आपको जरूर उलट पलट कर लेना है, वैसे आप इन्हें छांव में भी सुखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इन पापड़ों को मैंने 2 से 3 बार उलट पलट कर लिया है, फिर से इन्हें हम पलट लेते हैं। बस इस तरीके से पलट लेना है, लगभग 15 घंटे हो चुके हैं। तो अब इन पापड़ों को हम धूप में सुखा लेंगे, देखिएगा कितना अच्छा पापड़ बना हुआ है, बिल्कुल लिज्जत पापड़ की तरीके से लग रहा है। फिलहाल इन्हें हम थोड़ी सी धूप दे देंगे ताकि जो इन पापड़ों की सेल्फ लाइफ है थोड़ी सी बढ़ जाए। 1 घंटा हो चुका है, पापड़ भी हमारे लगभग सूख चुके हैं, देखिएगा बिल्कुल सीधे हैं। फिलहाल पापड़ हमारे बनके तैयार हैं, तो बस अब इन पापड़ों को हम सेंक लेते हैं। ये गया एक पापड़ और ये सिक्के हो गया तैयार। उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी और इस होली पर आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करेंगे, हो सकता है 1-2 दिन में ही बनाएं। जब बनाएं तो अपना हमें फीडबैक दें और हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और उसके बगल का जो घंटा है बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि इसी तरीके से नई नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से थैंक यू।